नारायण 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 राम 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 नारायण नारायण नारायण। अब तो उसको क्या कहें, जो मैं प्रियता है ये हमारी गलती है, छूटती नहीं। विषयों में हमारी प्रीता है, इसको हम जानते हैं कि गलती है, परंतु छूटती नहीं है। जो छूटती नहीं है, एक विचार करना, छूटती नहीं है तो छोड़ते नहीं है, इसको विचार करो। सच्ची बात है, छूटती नहीं ये सच्ची है, अथवा आप छोड़ते नहीं, छोड़ना चाहते नहीं, ये है क्या है, इसको गहरा विचार करो कि वास्तव में आप छोड़ना चाहते हैं और छूटते नहीं। अगर ये बात है तो इस बात की पहचान है कि नहीं छूटने से दुख होगा, छोड़ना चाहते हैं नहीं छूटती, ऐसे हालत में दुख ये बिना रह नहीं सकता। बताओ, जो काम चाहते हैं वो नहीं होता है तो काम तो नहीं होता है, पर दुख भी नहीं होता है क्या? वो अवस्था हमारे को सहाती नहीं, हम चाहते वैसा नहीं होता, ऐसी स्थिति हमें सहाती नहीं, दुख होता है। अगर उस बात का दुख हो तो भगवान दुखहारी है, किसी प्राणी को दुखी देखना भगवान नहीं चाहते। तो आपके संकल्प न मिटे, विषयों का राग न मिटे, और दुख हो जाए तो दुख भगवान नहीं सह सकते, वो दुख मिट जाएगा, भगवान की कृपा से मिट ही जाएगा, करके देख लो। अगर दुख नहीं होता है तो आप सच्चे हृदय से उस कामना को, आसक्ति को मिटाना चाहते नहीं है। अगर मिटाना चाहते हैं और नहीं मिटती है तो दुख जरूर होगा। आप बताओ और क्या होगा, मिटती है नहीं हमारे आज की बात नहीं, बालक के भी मन की बात नहीं होती तो वो रोना पड़ता है, अगर कुछ नहीं कर सकते तो रोना तो आता है ना। बताओ, बोलो इसमें। अगर हम चाहते हैं संकल्प मिटाना, मिटते नहीं, राग मिटता नहीं, आसक्ति मिटती नहीं, तो नहीं मिटती से हमारा बल नहीं है, पर न मिटने से क्या, चैन से रहेंगे, आराम से रहेंगे, रोटी खाएंगे, पानी पिएंगे, नींद लेंगे, ये सुहाएंगे नहीं। नारायण हरि लगन में यह पांचों में सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात, ये सुहाएंगे नहीं। विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात, ये सुहाएंगे नहीं। ये अगर सुहाते हैं तो हम उन संकल्पों को मिटाना चाहते हैं, आसक्ति को, कामना को, चाहना को मिटाना चाहते हैं, ये बात सच्ची नहीं है। जब तक न मिट जाए तब तक चैन से नहीं रह सकते। लोग कितना ही जगह मारो आश्वासन दे, कितना ही भरोसा दे, कितना ही प्रलोभन दे, परंतु वहां चैन नहीं पड़ेगा। बोलो, आप मुझे कोई बोलो, ऐसी बात होती है तो फिर हम सुखपूर्वक कैसे रहेंगे। मैं तो सबके जीवन में सोचता हूँ, मेरे जीवन में ऐसा है, जब मन की बात पूरी नहीं होती है तो फिर चैन नहीं पड़ती, मन से रहा नहीं जाता। जैसे यहाँ संकल्प का सत्संग का समय हो गया, यदि किसी कारण से मेरी देरी होती है तो प्रश्न हमारे से उससे ही नहीं जाती, हमारी व्याकुलता हो जाती है, चटपटी हो जाती है, क्या करें, आना ही पड़ता है। सत्संग हो जाए ना, उसमें आना ही पड़ता है हमें,
नहीं आवे तो हमारे बेचे नहीं हो जाती। ये बात ठीक है कि नहीं? आप सुनो, शासकों में नहीं, हाथ की बात नहीं है किसी की, आपके हाथ की बात थोड़ी है। गुस्सा लो नहीं सह सकते, और जब सह सकते हैं तब तक वो बात है नहीं कि हम ऐसे चाहते हैं। असली बात यही है कि हम चाहते नहीं, यही बात है ना। तो संसार की आसक्ति का त्याग चाहते हैं, ना भगवान का प्रेम चाहते हैं। चाहते तो वो सबसे मुख्य बात हो जाती, पूरी और चाहे ना हो, उस बात के न होने पर दुख जरूर हमें वो होता, इसमें संदेह नहीं है। समय होता आप भक्तों को बोलो फिर संदेह करो, बिल्कुल संसार की आसक्ति न छूटने में और भगवान के प्रेम के न होने में अगर हमारे को दुख होगा तो जरूर हो जाएगा, क्योंकि ये बात होने वाली है। न होने वाले के दुख होगा तो वो तो नहीं होगी, जैसे कोई मर गया अब वो पीछे आ जाए जी जाए, ये होने वाले नहीं है, दुखी होने वो नहीं होगा। पर ये नहीं होगा कैसे? ये दोनों बात होने की, बिल्कुल होने की, उसके लिए ही मानव शरीर मिला है। संसार का राग छूट जाए, भगवान से प्रेम हो जाए, इसके लिए ही मानव शरीर मिला है। इसके लिए दुखी होंगे तो वो दुख ठीक नहीं सकता, भगवान की कृपा से ठीक हो जाएगा, पक्की बात है ये एकदम। और हमारा कोई संकल्प नहीं रहे, न भगवत प्राप्ति का रहे, न संसार छूटने, कोई संकल्प नहीं रहेगा, सहजावस्था हो जाएगी। जिसको बढ़िया से बढ़िया उत्तम सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठ शास्त्र चिंता, तीर्थ यात्रा धमाधम, उत्तम सहज व सहज तन मन कर सहज पूजा, सहज सा देव नहीं पूजा, सहज भगवत प्राप्ति का भी संकल्प नहीं रहता ना। रखो तो ऐसा रखो कि उस कोई सकल हो ही नहीं, कोई भी बात याद आवे ही नहीं, ऐसा हो। और नहीं हो तो बिल्कुल नहीं हो, कुछ भी नहीं। देखो जैसे ब्रह्म की बात सुनते हैं हम, उस सच्चिदानंद ब्रह्म में कोई संकल्प है क्या? निर्गुण ब्रह्म जिसको कहते हैं, उसमें कोई भी पूर्ण है, संकल्प है, किसी को प्राप्त करना है, किसी को न प्राप्त करना है, किसी को हटाना है, मन को इसमें चित्त को लगाना है, ऐसा है क्या? नहीं। तो वह सही हो जाएगी, वही हो तो बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि वो अवस्था है सबकी, वो अवस्था पैदा नहीं होगी, वो अवस्था स्वतः सिद्ध है। जहां अपना संकल्प मिटा उसका अनुभव हो जाएगा, वो है सबकी। मनुष्य जीव के लिए कहते हैं कि बार भी जन्मता मरता, जन्मता मरता है, तो जन्मने मरने में कारण उन संगों से सदस्य जीवन जो गुणों का संग उनसे जीवनियों में जन्म होने का कारण है। तो वो संग नहीं रहेगा तो जन्म कैसे होगा? किसी में जन्म कैसे होगा आप बताओ? क्या होगा? बस सजावस्था, स्वतः स्वाभाविक सजावस्था आपकी खुद की है, वो अनुभव हो जाएगी। इस बात में कहता हूँ संसारिक काम है वो, उनके कार्य में और परमात्मा की प्राप्ति में एक कायदा नहीं है तो दो कायदा है। कारण के संसार की वस्तु तो नहीं है, वो पैदा करनी पड़ती है, उत्पन्न होती है, इस वास्ते उसमें पुरुषार्थ जरूर है। और परमात्मा तत्व की प्राप्ति तो स्वतः स्वाभाविक है। कोई ऐसे आदेश भी है जिसमें परमात्मा न हो? ऐसा कोई समय भी है जिस काल में भगवान न हो? ऐसा कोई व्यक्ति है कि जिसमें भगवान न हो? ऐसी कोई वस्तु है जिसमें परमात्मा न हो? ऐसा कोई है क्या? वो परिमल सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, सब व्यक्तियों में, संपूर्ण परिस्थितियों में, सब अवस्थाओं में है, जो का जो है विद्यमान। अब हमारा कोई संकल्प नहीं रहेगा तो हमारी स्थिति कहाँ होगी? अब जाकर दो संकल्प करो,
निसंदेह आप प्रकट करो। स्वतः से दुष हो जाएगी, निसंकल्प में स्थिति होगी, संकल्प रहित अवस्था में स्थिति होगी, कोई संकल्प नहीं रहेगा, संकल्प रहित अवस्था में स्थिति होगी, ऐसा ही होगी। स्वाभाविक संकल्प रहित होने पर स्थिति परमात्मा में ही होगी। आपको नहीं कर लो, परीक्षा कर देख लो, कोई संकल्प मत रखो, किंचित मात्र भी न संसार ना न परमात्मा का, ऐसा हो सके तो करो। थोड़ी देर में कुछ 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 चाहिए ना। शेर जी ने कहा था कि नित्य कर्म करते समय अपने क्या चाहिए, कुछ नहीं, मन को पूछना है क्या चाहिए कि कुछ नहीं, कोई चाहना है कि नहीं, कुछ करना है कि नहीं, ऐसे कर आप बैठ जाओ, शांति हो जाए। जो आप संकल्प करते हो, चिंतन करते हो, जप करते हो, वो मिल जाएगा मन सोते ही। और कुछ करना ही नहीं है, और कहीं जाना ही नहीं है, और कुछ लेना ही नहीं है, और कुछ जाना है ही नहीं। ईश्वर जी खुद ने बताया था, यहाँ तक करके देखा है, आप भी करके देखो, जब नित्य कर्म करने बैठो, अब कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है, कोई काम नहीं, अब घंटा दो घंटा तीन घंटा, अब मेरे को कुछ नहीं करना है, ऐसे बोला आप बैठ जाओ, संतोष मन लग जाएगा। कितनी बढ़िया बात, गीता में आया है कि समय समय ऊपर में एक, अब ऊपर आती बात कोई करनी नहीं होती, और आत्मसंस्थ मन तो एक परमात्मा है, ऐसा मन को आप साफ धारणा है परमात्मा है, सबकी धारणा की परमात्मा है, जो आते हैं उनको परमात्मा है, बस है उसमें रह करके न किन्दे भी जानते कुछ चिंतन ला रहा है। यही तो बात है, कर्म निरपेक्ष अवस्था यही है, कर्म निरपेक्ष साधन यही है, कुछ करना नहीं है, कोई कारक नहीं, ना कर्ता है, ना कर्म है, ना कर्ण है, ना संप्रदान है, ना अपहरण है, ना अधिकरण है, कोई कारक नहीं है। कारक वो होता है जो क्रिया का जनक हो, क्रिया वो होती है जो आरंभ होता है, जिसका अंत होता है, कोई भी क्रिया है बिना आरंभ और बिना अंत की होगी कोई, तो आदि और अंत वाली है, आदि और अंत वाले सब वस्तु में है, क्रिया भी है, उससे इससे रहित तत्व कैसे मिलेगा। प्रकृति का कार्य जितना है, जितने क्रिया है, इनके द्वारा उसकी प्राप्ति नहीं होगी, और उनके त्याग करने से सिद्ध हो जाएगी, उसकी प्राप्ति करना नहीं पड़ेगा, संसार काम करने से होता है, वो न करने से होगा, स्वतः स्वाभाविक होगा ही, और हो ही नहीं सकता, करके देख लो इसमें क्या बात, संदेह हो इसे करके देख लो, धीरे धीरे ठीक ठीक, कुछ भी संकल्प नहीं, कुछ करना है कि नहीं, कोई लेना है कि नहीं, कहीं जाना है कि नहीं, किसी से मिलना है कि नहीं, बैठना है सोना है कुछ नहीं, खाना है कि ना कुछ, ऐसे कुछ नहीं, पर बड़ी विलक्षण शांति मिलेगी, बहुत अलौकिक शांति, इसमें शंका होती है कि बताओ, जैसे आपने कह दिया ना कि परमात्मा का भी चिंतन ना करे, परमात्मा का चिंतन करोगे तो चिंतन मन से चित्त से होगा ना, तो मन चित्त का आपका संबंध रहेगा, अगर कुछ भी संबंध चिंतन नहीं करोगे तो आप जड़ के साथ संबंध आपका रहेगा ही नहीं, कैसे रहेगा। तो कोई भी अभ्यास करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उसमें बिना प्रकृति के संबंध के हो नहीं सकता, अगर उसके संबंध से उसके संबंध रहित कैसे होंगे, बड़ी मार्मिक बात है, आप चलो कुछ बोलो, चलो कुछ बोलो।
है करने का पुरुषार्थ नहीं करने का पुरुषार्थ बस ये तो व्यर्थ है ही, आदि अंत वाला ही होगा। जो पुरुषार्थ करोगे उसका आदि और अंत होगा, तो उसकी गलत चीज आदि और अंत वाली ही मिलेगी, अनादि अनंत कैसे मिलेगी। आप दलील दो, शंका करो उसमें, जो आपके अब मन में पूर्णा होती हो वो बताओ, अगलत हो। इस अवस्था में भी क्रियाहीन तो नहीं रहेंगे ना? इस अवस्था में भी क्रिया तो होती रहेगी ना? तो क्रिया होती रहेगी, करेंगे बताओ। क्रिया तो होती अब भी होती है, निरंतर होती है। बच्चे से इतने बड़े हो गए तो बिना क्रिया ही हो गया क्या? इतना सही बढ़ गया, बड़ा हो गया, तो ये कोई पुरुषार्थ किया आपने कि मैं बड़ा हो जाऊं, जवान हो जाऊं, बूढ़ा हो जाऊं? कभी किया हुआ था आपने? प्रकृति भी स्वतः होती है, परमात्मा भी स्वतः है, स्वाभाविक है। बोलो, बिना क्रिया छोटे से बड़ा कैसे हो गया? क्रिया होती है कि नहीं? वो क्रिया स्वतः होती, स्वाभाविक हो रही है। करना और होना रहती अवस्था है ये। ये करने अवस्था से ऊंचे उठने पर होना हो जाएगा, और होने से ऊंचा है हो जाएगा, बस फिर स्वामी। स्वभावो भजन मारे, भगवान का भजन स्वभाव है। अब हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, तो मिटाना नहीं है, न हो रहा हो करना नहीं है, अपने तो कुछ करना है ही नहीं, ना निषेध करना है, ना विधान करना है, नहीं उतरती कृषि नार्थ न अकृत्य नहीं दस्त न सा सर्व होते सुखर्द्रिया से सु न कर्म से अनुसद्य थे सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ सदस्य योगारूढ़ है, योगारूढ़ होगा। अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करो, कार्य कर्म होते हैं, कहना नहीं पड़ता है। सन्यासी योगी को सन्यासी भी सांख्य योग कर्म दोनों पूर्ण हो जाएंगे। आश्रय लो कर्म फल का आश्रय, जितना संसार का आश्रय कर्म फल ही है और क्या है? तो कर्म फल का आश्रय ले लेने पर सत्य हो जाए, अनाश्रय है वो स्वाश्रय है, कोई किसी का आश्रय नहीं है। कभी किंचित मात्र भी आश्रय नहीं है, है वो है का है ही है, और किसी का आश्रय नहीं है। अभी आज जय मरदास गुरु और राम निरंजन देव काया देव देव रो सहज हमारी सेव, ये सहज हमारी सेव, ये सहज सहज हमारे सहज का सहज की आवश्यकता हो। अरे जीवन शिव का एक नाम एक था, सहज हमारी सहज का सहज की आवश्यकता। नारायण 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 नारायण। राम यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 4 जुलाई 1990 को प्रातः 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम।